हेलो गाइस, दिस इज कंचन शर्मा एंड वेलकम यू ऑन माय चैनल स्टडी हेल्थ स्ट्रेंथ। जैसा कि मैं लिख आई हूँ आपके 10 इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो कि आपके हिंदी वोकैब से रिलेटेड हैं। इस वोकैब को पढ़ने से आपके वोकैब स्ट्रांग होगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो रोज आपके लिए लेके आऊंगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया वर्ड। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है वीटर वर्ड। वीटर मीन्स होता है जैसे कि महत्वपूर्ण, ठीक है। महत्वपूर्ण मीन्स अगर हम देखें, वैसे तो इम्पॉर्टेंट वर्ड हम नॉर्मली यूजुअली यूज करते हैं एज अ कॉमन टेंस में, बट अगर हम देखें तो वीटर मीन्स ये होता है महत्वपूर्ण। और महत्वपूर्ण का अगर हम सिनोनिम्स यूज करें तो क्रूशियल, ठीक है। क्रूशियल मतलब होता है, इसका अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कि इसका मतलब भी आवश्यक ही होगा, ठीक है। और इम्पेरेटिव इसका अदर वर्ड है सिनोनिम। इम्पेरेटिव की बात करें तो इसका मीन्स होता है अति आवश्यक, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स एक ही मीनिंग को रेफर करते हैं। विटल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, क्रिएशन भी मीन्स होता है आवश्यक या महत्वपूर्ण, ठीक है। महत्वपूर्ण और इम्पेरेटिव मीन्स होता है अति आवश्यक। तो ये वो वर्ड्स हैं जो एक वर्ड्स की कई मीनिंग है, आप इनकी बजाय या तो विटर यूज करते हैं क्रिएशन या फिर इम्पेरेटिव। सेकेंड वर्ड है ऑवरसाइट। ऑवरसाइट मीन्स होता है भूल, गलती, ठीक है। भूल, गलती, तो इसको हम अगर सिनोनिम से इसका देखें तो मिस्टेक यहाँ पर रेफर करेगा, मिस्टेक एंड एरर। मिस्टेक तो आपने सुना ही होगा, बहुत नॉर्मल है एंड यूजली सेंटेंस में यूज होता है। मिस्टेक मीन्स भी होता है गलती, और एरर्स मीन भी होता है गलती या फिर आप कमी भी देख सकते हैं, कमी या फिर गलती। थर्ड आपका न्यू वर्ड है इंस्टेंस। इंस्टेंस मीन्स होता है उदाहरण। वैसे नॉर्मली बच्चे एग्जाम्पल यूज करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे एक न्यू वर्ड है उदाहरण। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया भी ऑलरेडी, पहले बोल चुकी हूँ कि एग्जाम्पल यूज करेंगे सिनोनिम में इसका, और इसका प्रूफ मीन्स भी उदाहरण, ठीक है। किसी को अगर हमें कोई बात बतानी है तो आप उसके लिए क्या देंगे, प्रूफ देंगे उस बात को साबित करने के लिए, ठीक है, उसको एक्सेस बनाने के लिए। तो यहाँ पे प्रूफ इसका उदाहरण हो जाएगा सिनोनिम में। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंटेंट। इंटेंट मीन्स होता है उद्देश्य या फिर निश्चित, ठीक है। उद्देश्य या क्या, आपका एम क्या है, पर्पस क्या है, क्या इंटेंट है, ठीक है, या फिर निश्चित। तो इसका सिनोनिम अगर हम देखें डिसाइड, डिसाइड माने ये होता है निर्धारण करना। यहाँ देखिए निर्धारण करना, किसी चीज को फिक्स करना, ठीक है। और रिजोल्व मीन्स होता है डटे रहना। आपकी लाइफ में अगर कोई एम है, कोई पर्पस है, या आप कुछ आगे अचीव करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसी चीज पर डट कर उस चीज पर स्टेबल होकर उस चीज पर कंटिन्यूसली फोकस करेंगे, उस चीज को गेन करने के लिए, रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इंटेंस मीन होता है उद्देश्य, ठीक है। अगर इसका सिनोनिम हम देखें तो डिसाइड मीन्स होता है निर्धारण करना, रिजोल्व मीन्स होता है डटे रहना। इन तीनों का ऑल ओवर मीनिंग एक ही निकलेगा, सिमिलर मैचेस होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डीम्ड। डीम्ड मीन्स होता है समझा या फिर विश्वास, ठीक है। अगर इसका हम सिनोनिम देखते हैं बिलीव, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, ठीक है। डीम मीन्स वैसे विश्वास करना ही होता है, समझना होता है। अगर यहाँ देखिए हम कंसाइडर की, कंसाइडर माने भी होता है आपका समझना या सोच कर, सोच विचार करना, सोच विचार करना, ठीक है। कंसाइडर मीन सोच विचार करना, बिलीव माने विश्वास करना। एरिंग, एरिंग मीन्स भी गलती होती है, बट यहाँ पे हम देखते हैं ना कि एक छोटी गलती है, कोई बड़ी गलती या ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक हो गई है, तो रॉन्ग मीन्स भी गलत होता है। यहाँ पर सिनोनिम इसका सेम बनेगा, रॉन्ग गलत, और ब्लंडर मीन्स भी एक बड़ी गलती। ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इनके सारे मैचेस, इनके जो वर्ड्स हैं सब सिमिलर हैं। एरिंग मीन्स भी गलती करना या गलती है, रॉन्ग मीन्स भी गलत, और ब्लंडर मीन्स भी बड़ी गलती। जैसे कि यू हैव डिड अ ब्लंडर स्टेक, जैसे आपने एक बहुत बड़ी गलती की, इसका एग्जाम्पल बनेगा। मेयर मीन्स होता है केवल या मात्र, जैसे हम कहते हैं ना कि ओनली जस्ट, नहीं,
तो अगर हम इसका सिनोनिम देखते हैं तो ओनली सिनोनिम बनेगा केवल, पता ही है आपको ऑलरेडी, जस्ट माने एकदम, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। बात करें नर्चर की, नर्चर मीन्स होता है पालन पोषण करना, नर्चर मीन्स पालन पोषण करना है, इसका सिनोनिम बनेगा ब्रिंग अप। ब्रिंग अप भी आपको पता ही, पालन पोषण करना, और लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। ठीक है, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना है। डोसाइल मीन्स होता है विनम्र, सज्जन, पोलाइट, एकदम वे, जेंटल वे। तो फिर डोसाइल मीन्स होता है विनम्र, आप किसी को जैसे कॉन्वर्सेशन कर रही हो किसी से, आप बोलते हो कि यू आर सो डोसाइल, या नजरिया, योर नेचर इज सो डोसाइल, तो आप जेंटल की जगह पर आप डोसाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम इसका सॉफ्ट बन जाएगा और नाइस बन जाएगा। लास्ट आपका वर्ड है रिपोज। रिपोज मीन्स होता है आराम। ठीक है, आराम करना है, लाइक दैट्स अ न्यू वर्ड एंड इसका सिनोनिम यहाँ पर क्रिएट होगा रेस्ट एंड स्लीप। इट्स अ ट्रू पोजिशन, इज अ रेस्टिंग फेस। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके 10 वर्ड्स। अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई वर्ड क्लियर नहीं है, कहीं डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन, सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगी, आंसर करूंगी। और हाँ एक बात, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको फ्यूचर में अहम नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।